हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मैं अपने बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ, उनके घर के बाहर से। बाहर मेरी सासू माँ बैठी थी और अब मैं किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। और मैं ब्लॉगर मॉर्निंग से रूटीन मतलब शुरुआत कर रही हूँ, मॉर्निंग से ही नहीं, 9 बज रहे हैं और मैं ब्रेकफास्ट से अपना रूटीन आपको दिखा रही हूँ, यानी कि ब्लॉग आज का स्टार्ट कर रही हूँ। और बस मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली है और आज मैं क्या बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आप लोग भी देख लीजिए। मैं बना रही हूँ प्याज का पराठा, और प्याज के पराठे की रेसिपी मैं अपने ब्लॉग में दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे प्याज का पराठा बनाया है। मैंने 3 प्याज ली है और तीनों को छील के चॉपर में कट कर लिया है, और चॉपर की हेल्प से इसको मैं पत्ती पत्ती पीस कट कर लूँगी। और ये चॉपर जो है बहुत ही मतलब कि मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। और मैंने चॉपर के हेल्प से प्याज को कट कर लिया है। और मेरी प्याज बहुत ही अच्छी चॉपिंग हुई थी मतलब प्याज की, और मैंने मिर्चा भी कट कर लिया है। बस मेरा जो है प्याज अच्छे से कट चुका है, देख सकती हो कितनी अच्छी प्याज पतली पतली पीसों में कट हुई है। तो बस मैंने इसमें मिर्चा तो आप देखे थे मैंने कट किया है, और अजवाइन भी इसमें 1 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाला है और 1 चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हो जैसा आप नमक खाते हो। और बस मेरा जो है ये प्याज का पराठा का पेस्ट रेडी है प्याज के लिए, और मैंने आटा पहले से लगा के रखा है। और इधर मैंने जो आप लोग मेरे वीडियो में देख रहे थे कि मेरी गाय जो है बच्चा दी है, तो उसका मैंने खुजली भी बना रखा है। तो बस ये जो है मैं 2 लोई ली हूँ, और मैं लोई जो है बहुत पतली पतली लोई ली हूँ। तो बस मैंने दोनों लोई को बेल लिया है मीडियम साइज़ में, और एक रोटी बेला है उसमें मैंने जो पेस्ट तैयार किया है वो अच्छे से रख दिया है, और उसको अच्छे से फैला के उसके बाद दूसरी लोई उसके ऊपर मैंने डाल दी है, उसको किनारे किनारे अच्छे से दबा दिया है। और फिर मैं उसमें हल्के हाथ से बेलन चला दे रही हूँ जैसे मेरा प्याज जो अच्छे से पूरा सेट हो जाए। और बस ये मेरा देखिए प्याज का पराठा जो है मैंने बेल लिया, और अपने तावे पे इसको मैं अच्छे से सेक लूँगी। मैंने यहाँ पे ऑयल से सेक रही हूँ, यानी कि रिफाइंड से आप इसको किसी भी से भी सेक सकते हो। तो अगर आप घी से ऑयल से किसी से भी सेक सकते हो, मैं इसको सेक ले रही हूँ। देख सकते हो कि मेरा प्याज का पराठा कितना अच्छा सिका है, एकदम लाल लाल। और इसको मैंने बस खाने के लिए प्लेट में रख दिया है। तो प्याज का पराठा, और अभी मैंने आम का अचार रखा है, और मैं अपनी मम्मी जी को पहले दे रही हूँ नाश्ता। वो बैठी हैं, आप देख सकते हो आज संडे है, संडे के दिन अक्सर सभी लोग बाल धोते हैं, तो सब लोग यहाँ बाल धोए हुए हैं। और यहाँ मेरा स्कूबी बैठा हुआ है, इसकी आदत है जब कोई खाना खाता है तो ये आके बैठ जाता है। तो बस मैंने अपनी मम्मी को दे दिया है, और उसके बाद जो थोड़े बहुत बचा था अपने लिए अपने बच्चों के लिए भी मैंने प्याज का पराठा बना लिया। और संडे के दिन तो और भी काम बढ़ जाता है हम लोग का, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है। और मैं संडे के दिन ही हेयर वॉश करती हूँ अक्सर, और मुझको वॉशरूम वगैरह भी साफ़ करना रहता है, तो काफ़ी लेट हो जाता है हम लोग को संडे के दिन। तो मैं भी आज देर में उठी हूँ कि बच्चों की छुट्टी थी, तो आलस लग जाती अपने को भी यार कि थोड़ा सा आज लेट में सो के उठती हूँ। तो आज मैं लेट सो के उठी थी, 8 बजे मैं उठी थी, और मेरा सारा काम लेट हो गया। तो उठने के बाद मैं सीधे नहा ली, क्योंकि ब्रेकफास्ट मुझे बनाना था, टाइम से देना था ब्रेकफास्ट। तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, आप लोगों ने देखा कि मैंने प्याज का पराठा बनाया था ब्रेकफास्ट में। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पूरी उसकी रेसिपी कि मैंने कैसे प्याज का पराठा बनाया। बट मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया, लेकिन घर की क्लीनिंग अभी तक नहीं हुई है। 11 बज रहा है और मेरा घर एकदम गंदा पड़ा हुआ है, तो अब मैं जा रही हूँ घर की क्लीनिंग करने, और मुझे लंच भी बनाना है। तो देखिए लंच किस टाइम में लंच बनाने पहुँचती हूँ किचन में। चलिए घर की क्लीनिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं लंच में कि आज मैंने लंच में क्या बनाया। यहाँ मैंने आपसे बताया था कि आज मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि संडे था,
और संडे के दिन थोड़ी ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है वॉशरूम वगैरह की, तो मैं अपने हेयर वॉश करी थी और बट मैंने इसको सुलझाया नहीं था, तो बस मैं इसको अच्छे से मैं सुलझा रही थी क्योंकि मेरे बाल जो है सूख चुके थे, तो मैंने क्लचर लगा लिया था। और काम करते वक्त बाल जब आगे आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, मुझे तो एकदम अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं काम करती हूँ किचन में या फिर क्लीनिंग वगैरह करती हूँ तो अपने बाल को फोल्ड कर लेती हूँ या फिर क्लचर लगा लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे देखिए रूम में आ गई हूँ, बेडशीट वगैरह फोल्ड करने लगी, क्योंकि सबसे पहले क्लीनिंग में सबसे पहले तो मैं हमेशा बेडशीट वगैरह ही ठीक करती हूँ, और चादर वगैरह रहते हैं वो सब फोल्ड करना रहता है, तो बस पहले मैं उसके फोल्ड करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना बेडशीट झाड़ती हूँ, उसके बाद ही मैं घर की क्लीनिंग यानी कि झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, झाड़ू पोछा और थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग की आदत होती है कि बिना डस्टिंग करे जो है हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं। और हमें पता नहीं क्यों, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जब तक मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग नहीं कर लेती हूँ तो मुझे झाड़ू लगाना नहीं अच्छा लगता है। तो पहले मैं सब जगह अच्छे से एडजस्टिंग कर लेती हूँ, जैसे जितनी भी गंदगी वो फर्श में आ जाए और मैं जब झाड़ू लगाऊँ तो मेरा फर्श एकदम साफ रहे और ऊपर भी साफ रहे। तो मैंने पहले बेडशीट सब जगह का ठीक लिया, डस्टिंग कर ली, उसके बाद फिर मैं अपने सारे रूम में झाड़ू लगा दी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं बस मेरी डस्टिंग चालू है यहाँ पे, और बस अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ अपने रूम में। और झाड़ू लगाना भी बहुत बड़ा काम होता है यार, हम लोग का दिन भर काम में बीत जाता है, संडे के दिन तो हम लोग को और भी टाइम नहीं मिलता, तो हम हाउसवाइफ का कोई संडे और मंडे नहीं होता है। और आप देख रहे हो कि मैं यहाँ लंच बनाने आ गई हूँ, और आज मैंने लंच में क्या बनाया है, बहुत ही सिंपल बनाई है, तहरी बनाई है, आप इसको मिक्स मतलब पुलाव भी कह सकते हो, बिरयानी भी कह सकते हो, मैंने बहुत सिंपल तरीके से तहरी बनाई है। पहले तो मैंने सब्ज़ी वगैरह फ्राई कर लिया है, उसके बाद फिर मैंने उसमें राइस ऐड कर दिया, आप अलग से भी राइस पका के दोनों को ऐड कर सकते हो, काफ़ी टेस्टी बनता है। बट आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया था, मैं आप लोग से बता रही हूँ, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से तहरी बनाई थी। हम लोग इसको ज़्यादातर तहरी बोलते हैं डेली में खाने के लिए, मतलब सिंपल सी ऐसी तहरी बना लेती हूँ। आप देख सकते हो कितनी हवा चल रही है मेरे किचन में, तो बाहर से बहुत ही हवा आती है, उधर से थोड़ा सा लाइट भी पड़ता है मेरे किचन में, तो मेरे वीडियो में जो है उस लाइट की रोशनी आती रहती है अक्सर किचन में जब मैं काम करती हूँ। बहुत लेट हो गया है और 2 बज रहे हैं, 2, तो मेरा लंच जो है अब तैयार हो गया है, बस रोटी बना लूँगी उसके बाद में बना लूँगी। मेरी तहरी तो मैंने चढ़ा दिया है, बट थोड़ा सा मैंने आटा भी लगाया था क्योंकि मम्मी जी को मुझे रोटी बनानी थी, और उनको मैं चावल बहुत कम ही देती क्योंकि उनको नुकसान करता है और खांसी आती रहती, इसीलिए मैं उनके लिए रोटी अक्सर मैं बना ही देती हूँ, कुछ भी बनाऊँ लेकिन उनके लिए रोटी तो मुझे बनाना ही पड़ता है, तो मैं रोटी उनके लिए बना रही थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड बोले थे कि मुझे आज मेहंदी लगा देना, तो बस मैं उनके लिए मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी को अच्छे से मिक्स कर रही थी, और यहाँ मैंने 2 पैकेट मेहंदी उनके लिए तैयार की थी, तो बस मैं उनके लिए मेहंदी का पेस्ट रेडी कर रही थी, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पेस्ट रेडी किया था। अगर आपको जानना है कि मैंने मेहंदी का पेस्ट कैसे तैयार किया तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बस ये देखिए, और अच्छे से इसको मिक्स कर देगा जैसे कि हमारे पेस्ट में लम्ब्स ना पड़े, बस मैं इसको जो है मिक्स करके अच्छे से फीट के रख दे रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं अपने हस्बैंड को लगाऊंगी। तो बस देख लीजिए मेरा किचन का काम जो है, काम खाना बन वगैरह बन गया है, थोड़ी सी मैं इस किचन को साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि मैं गंदा नहीं छोड़ती हूँ किचन को कभी, तो साफ़ करने के बाद ही जो है मैं हम लोग खाना खाएंगे। तो बस मैं खाना निकाल रही हूँ अपने लोग के लिए, मम्मी के लिए, बच्चों के लिए, तो बस लंच का खाना देख रहे हैं आप हम लोग का, बहुत ही सिंपल खाना है आज, मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाया, काफ़ी लेट हो गया था और मैं बहुत थक गई थी, जब लेट हो जाता है ना तो अंदर से पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगता है। तो बस देख लीजिए ये हम लोग भी जा रहे हैं लंच करने, देखिए हम लोग का लंच तो हो गया है, बट मेरे किचन की आप हालत देख सकते हैं क्या है, किचन को तो मैंने साफ़ कर दिया है बट मैंने बर्तन नहीं साफ़ किया है, उसका कारण अभी आपको आगे पता चलेगा कि मैं बर्तन क्यों नहीं साफ़ की, बट लेकिन मैंने किचन को अपने अच्छे से साफ़ कर दिया है, अपना स्लैब भी देख रहे हैं आप एकदम साफ़ है,
और मेरी गैस भी एकदम साफ है और टाइम हो रहा है 3:15 हो गया है। सो गाइस, आप लोगों ने देखा मेरा संडे का रूटीन, और संडे का रूटीन मेरा ऐसा ही हो जाता है, बहुत ही काम में लेट हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, तो लेट उठने की वजह से हर काम में डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई काम टाइम से नहीं हो पाता है। तो अगर आप टाइम से उठते हो तो आपका जो रूटीन होता है बहुत ही अच्छे से रहता है पूरे दिन। और मेरे संडे का दिन तो बहुत ही ख़राब गया आज का, कोई भी काम टाइम से नहीं हुआ है, बट लंच वगैरह तो हो गया है। और आप लोगों ने देखा किचन मेरी कितनी फैली होगी, मेरा बर्तन अभी साफ नहीं हुए हैं क्योंकि मेरी टंकी का पानी हो गया है ख़त्म और लाइट भी चली गई है। जब अब लाइट आएगी तभी मेरी टंकी भरेगी और पानी आएगा, तभी मैं अपने बर्तन जो है साफ़ करूँगी। बट मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, और आप देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे और स्किप करके छोड़ दोगे मेरे वीडियो को। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे वीडियो को देख के बोर हो। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना कि आपको मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बाय।